अगर हम सिविल न्यूक्लियर की बात करें, असैनिक परमाणु की बात करें, तो हमने ये कहा है कि इस साल के अंत तक जैतापुर पर हम कुछ हम ऐसे कुछ चीजों पर काम करेंगे ताकि आखिर इस साल के आखिर तक हम इस प्रोजेक्ट को, परियोजना को आगे ले जा सकें, और हम कुछ जो आखिरी जो कुछ मुद्दे रह गए हैं उन पर हम जल्द से जल्द बातचीत करके हम इस बात को आगे ले जाएंगे। और इस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस यात्रा के अंतर्गत हमने ये भी एक रोड मैप बनाने की बात करी है जो कि डिजिटल के ऊपर होगा, और हम चाहते हैं कि इस पे भी हम ये एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें हम जो सामरिक क्षेत्र है और उसमें भी हम मिलकर काफी सहयोग कर सकते हैं। हमने अपने सारे ही द्विपक्षीय सहयोग के बारे में भी हर एक पहलू को हमने ध्यान से उसके बारे में उसकी समीक्षा की, और हमने देखा है कि ये भी देखा है कि हमारे आर्थिक जो व्यापार है वो उसमें 25% बढ़ोतरी हुई है पिछले एक साल में, और इसको हम और भी बढ़ाना चाहेंगे, चाहे वो परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे वो और किसी भी कोई क्षेत्र हो। हमारे जो बातचीत जो हुई थी वो काफी, और हमारा जो सहयोग है वो काफी डायनेमिक है, और जो उद्देश्य जो हमने अपने आप को दिया है मार्च 2018 में जब मैं भारत में गया था, वो ये है कि 2020 तक हम अपना सहयोग व्यापार को बढ़ाएंगे, और उसको हमने इसी साल ही पा लिया है, और ये या तो हमारा जो उद्देश्य थे वो बहुत छोटे थे या फिर हमने बहुत अच्छा काम करके प्रधानमंत्री जी इसको बहुत जल्दी हासिल कर लिया है।